लगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कम रह गया था। मम्मी देखना हमारे पास कितनी सारी एक्स्ट्रा लिपस्टिक है और काफ़ी अच्छी अच्छी लिपस्टिक है, लेकिन ये अब यूज़ तो होती नहीं। जब इन्हें आप यूज़ ही नहीं करते तो आप इन्हें फेंक ही दो, देखना कैसी हो रही है। अगर आपके पास भी इस तरीके की पुरानी लिपस्टिक्स पड़ी हैं तो प्लीज़ उन्हें फेंकना मत। मैं आपको इसका एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। इन लिपस्टिक को हम लोग जो हमारी आई शेडो होती है, स्मोकी आईज जब हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग इन्हें यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे कलर पड़े हुए होते हैं, ब्राउन है, रेड है, या फिर जो कोई भी कलर हो ए टू जेड लिपस्टिक का, मैं आपको करके दिखाती हूँ आईज़ पे यूज इसका कि हम लोग आईज़ मेकअप ये लिपस्टिक से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं। आपके पास भी अगर इस तरीके की लिपस्टिक्स पड़ी है, क्योंकि आजकल जो है ना लिक्विड लिपस्टिक का ज़्यादा फैशन हो गया है, और इस तरीके की जो पुरानी लिपस्टिक्स हमारे पास पड़ी होती हैं वो बस पड़ी रहती हैं तो उनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि सिमरन कह रही थी कि मम्मी इन्हें फेंक दो, तो मैंने सोचा इन्हें फेंकते नहीं हैं, कुछ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ नहीं लगाया आई बेस पर, ऐसे ही है नॉर्मल। तो जो हमारा आईबॉल का एरिया होता है वहाँ पर हम लोग इसे ऐसे अप्लाई कर लेंगे, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ब्रश की हेल्प से कर सकते हो। सिर्फ इतने हिस्से पर लगानी है, बहुत अच्छी आपकी जो है आई शेडो बन जाएगी। मैं दोनों आईज पर ना अलग अलग करके दिखाऊंगी, दो लिपस्टिक का यूज़ कर लूँगी, आप लोग अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हो। और फिर मैं लूँगी एक इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश, कुछ नहीं लगा हुआ इस पर, इसका जो कलर है ना थोड़ा सा ऐसे ही लगा हुआ है आई शेडो का, साफ कर लेते हैं। कोई आई शेडो वगैरह नहीं है इसके ऊपर। और तो लिपस्टिक लगाएंगे हम सिर्फ अपने क्रीज एरिया पर, और जो हमारी ये लाइन बन गई है कुछ नहीं लेंगे, बस इसे हल्का हल्का सा इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी लाइन ना बन जाए हमारी। पहले आपको इतना करना है और धीरे धीरे करके जो है ब्रश बहुत हल्का चलाएंगे, बिल्कुल इक्वल कलर इक्वल नहीं फैलाना, धीरे 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 करके जो है, क्योंकि हम लोग स्मोकी आइज बना रहे हैं लिपस्टिक से, इस तरीके का लुक आ जाएगा और बहुत जल्दी भी बन जाएगी इस तरीके से आइज। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट है तो मैं थोड़ा सा और लगा लूंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रीम बेस है ये उतर जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, तो अब मैं क्या करूंगी, आप लोग जो है आई शेडो ले लें। अगर आपको सेम कलर लगाना है आई शेडो का तो आप लोग सेम कलर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्योंकि स्मोकी आईज बना रही हूँ तो सेम लूँगी, ये मैंने डार्क ब्राउन कलर का ही आई शेडो लिया है, और इसे सेट कर देंगे, क्योंकि सेट करने के बाद एक तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और दूसरा ये कहीं भी नहीं जाएगी, सेट हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि जब हम लोग स्मोकी आईज बनाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है स्मोकी आईज को, का जो कलर हम लोग ब्लेंड करते हैं ना तो लगता है कि बहुत झंझट सा है और प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर हम लोग, एक तो हमारा लिपस्टिक का यूज हो जाएगा, दूसरा हमारी आईज भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल अब सेट हो गया, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा ये, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल सेट हो गया ये। अब मैं एक ब्रश लूँगी दूसरा। अब मैंने लिया है उसी पैलेट से हल्का सा लाइट ब्राउन, आप लोग कोई भी शेड ले सकते हो, क्योंकि मैं स्मोकी बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ ब्राउन कलर का यूज किया है, और मेरा जो ऊपर का एरिया रह गया है उस पर थोड़ा सा इस तरीके से ब्लेंड कर दूँगी मैं, ताकि जो मैंने नीचे ब्लेंडिंग की थी लिपस्टिक से वो भी सेट हो जाएगी और मेरा जो है बढ़िया सा आई लुक भी आ जाएगा। ऊपर दिखाओ, हाँ ऐसे हल्का सा नीचे भी टच कर देंगे, क्योंकि आईज हमारी फिर उस तरीके से ना बड़ी दिखती है इस तरीके से। देखो लिपस्टिक से कितनी जल्दी ब्लेंड हो गया और हमें लिपस्टिक जो है फेंकनी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग दो लिपस्टिक का यूज करके भी बना सकते हैं, जैसे कि हमें दो कलर करने हैं कॉर्नर पर हम लोग कर लेंगे। मैं करके दिखा देती हूँ, जैसा कि मैं लाइट कलर लगाऊंगी यहाँ पे। देखो कॉर्नर पर हम लोग लगाएंगे इस तरीके से ब्राउन,
ऐसे करो। देखो ये वाला कलर जो है ना लाइट कलर है, इसे हम ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। कई बार होता है ना हमें प्रॉब्लम हो रही है लिपस्टिक का जो है डायरेक्ट लगाने में, तो हम लोग डायरेक्ट ब्रश लेंगे और लिपस्टिक से भी टच करके लगा लेंगे। डायरेक्ट लगाने में थोड़ी शेप बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके से हम लोग देखो ब्रश का यूज़ कर लेंगे। उससे क्या होगा, ईजीली हम लोग जो क्रीज एरिया है उसकी गोलाई भी बन जाएगी। ब्राउन वाला थोड़ा सा लगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कम रह गया था, इस तरीके से। और वही ब्रश लूँगी मैं फिर से, और दोनों कलर जहाँ पर हमारे हैं इस तरीके से ना ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा जो है अलग अलग सा ना दिखाई दे। पिंक में ब्राउन मिक्स हो गया, इस तरीके से करेंगे। बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके की पुरानी लिपस्टिक्स पड़ी है तो आप लोग मेकअप में इन्हें यूज कर सकते हो। आंखें बंद करो बेटा, खोलनी नहीं है। ये देखिएगा, अच्छा मैं जो है हल्का सा, मैंने इसमें दो लिपस्टिक यूज की है, एक पिंक कलर यूज कर लिया है और एक कर लिया है ब्राउन कलर। अब मैंने ब्राउन कलर का जो है आई शेडो लिया है थोड़ा सा, और जितने हिस्से पर मैंने ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई है बस उसी को सेट करूँगी, और फिर मैं करूँगी दूसरा ब्रश यूज जहाँ पर मैंने पिंक आई शेडो यूज किया है। अब मैंने लिया है शिमर कलर पिंक आई शेडो का, या तो आप ब्रश की हेल्प से लगा लो या फिर लगा लो आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो, फिंगर से जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिएगा कितनी बढ़िया आइज बन गई है, और थोड़ा सा ना कॉर्नर पर हम लोग ब्राउन के कॉर्नर पर थोड़ा सा ना ब्लैक लगाऊंगी मैं, ताकि बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी जिस तरीके के हम लोग आई शेडो से लगाते हैं ना आई शेडो लुक देते हैं उसी तरीके से आ जाएगा। ब्राउन के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक का टच दिया है मैंने, ये हो गया। अब मैं आपको लाइनर लगा के दिखा देती हूँ कि हमारी आईज जो है कैसी बनी है। देखो दोनों आईज मैंने लिपस्टिक से बनाई है, और बिल्कुल भी, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी हमारी जो है आई शेडो और जो लिपस्टिक हमारी बिल्कुल सेट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो बिल्कुल मैंने करीब से दिखा रही हूँ लिपस्टिक से जो आई शेडो बनाई है बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है, तो आप लोग भी अपनी पुरानी जो लिपस्टिक्स है उनका यूज करके मेकअप में यूज कर सकते हो। लग रही है ना बिल्कुल जैसे हम लोग आई शेडो से बनाते हैं आईज। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग भी अगर इस तरीके से यूज करोगे तो बन पाई है कि नहीं बन पाई और कैसी बनी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही नई नई ट्रिक्स जो है मैं यूज करती रहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।